ଭୟଙ୍କର ରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକତେ। ତୌକତେ ପ୍ରଭାବରେ ତାସ୍ ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ତିନି ମହଲା ଘର, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲତା ପରି ତଳେ ଗଡୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର ଶୁଁ ଶୁଁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ, ସତେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଗିଳିଦେବ। ତୌକତେ ତୋଫାନର ପ୍ରଭାବ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 18 ସକାଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତୌକତେ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଣନ୍ତୁ। सचिव श्री साथे माननीय वगैरह सचिव साथे आपणे अहींया मुलाकात लीधी छे। मांगरोळ अने जे बंदर विस्तार छे अने जेटला पण नीचाणवाळा विस्तारों छे आनी बधी मुलाकात लीधी छे। इवेक्युएशननी कामगीरी आपणे स्टार्ट करी छे। दरेक जग्याओ आप जोई शको छो एवा जे मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर जे उभा करवामां आवेल छे, तो आनी त्यां साइक्लोन शेल्टर्स आपणे राख्या छे। साथे साथे जे सेफ स्कूलना स्ट्रक्चर छे, समाजनी वाड़ीओ छे, अने गणीने आपणे लोकोने शिफ्टिंग करवानी जे प्रोसीजर छे ए चालू छे। आज रात सुधीमां आपणे जेटला पण नजीक नीचाणवाळा जे विस्तारो छे एना एमां जे रहेता लोकोने शिफ्ट करवानी गणतरी आपणे छे। सेपटे बात्या मुकाबला पई NDRF टीम समस्त जागारे नियोजित होइतिबा बेळे वायुसेना को मध्य अलर्ट रहिछि। बात्या को नहीं NDRF संपूर्ण प्रस्तुत रही कहते NDRF DG SN प्रधान। जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है, इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है, क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो मुख्यतः IMD के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में होगा। गुजरात में 24 NDRF टीम नियोजित होगा सह बाहर राज्य 13 टीम पहुंची। तो कोते को नहीं गृहमंत्री अमित शाह गुजरात महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उच्चस्तरीय बैठक कर। गुजरात में तलिया अंचल लोक स्थानांतर कर, समुद्र कूलिया लोक निरापद स्थान को स्थानांतरित कर। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।